आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना जी? बताइए भाई साहब, आप पहले बताएं ना, जैसे डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले आप, आपसे मैंने पूछा कि आप डीएम साहब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं आप कौन, तो प्रति प्रश्न करने से अच्छा है कि बता देना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड का जिला प्रशासन चमोली का, और फिर उत्तराखंड सरकार नदियों को मार रही है। दोस्तों यह अलकनंदा है, अलकनंदा बद्रीनाथ धाम से वहाँ से चल करके आती हैं, आगे जा करके मिल जाती हैं देवप्रयाग में, यह और मंदाकिनी दोनों मिलती हैं, फिर अलकनंदा आकर के रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर के गंगा हो जाती हैं। दोस्तों यही गंगा है, उत्तराखंड की गंदी सरकार, गंदे लोग, गंदा डीएम, गंदा यहाँ का नगर पालिका परिषद, सीधे सीधे अलकनंदा में यह नगर का कूड़ा और कचरा फेंक रहा है। नीचे तक देख लीजिए, सो रहा है यहाँ का नैनीताल उच्च न्यायालय, और सो रहा है विधायक, भांग खा करके सोया है यहाँ का एमपी, और शर्म नहीं है यहाँ के राज्य सरकार को जो सीधे सीधे नदियों को, यह प्राण दायिनी हमारी नदियाँ, यह हमारी जीवन दायिनी नदियाँ, जो गंगा को सबसे अधिक पानी देती है, उस नदी को, अलकनंदा को हम दिखा रहे हैं, और इसी रास्ते से बद्रीधाम, बद्रीनाथ धाम के लिए लोग जाते हैं, जहाँ यह कूड़ा और कचरा आपका स्वागत करेगा। ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं, और यह गाड़ियाँ सीधे सीधे बद्रीनाथ धाम को जा रही हैं। आप देखिए ना, आप जो नीचे चला गया है, कौन सा है, किसके माइक के लाल में दम है जो वहाँ का कचरा निकाल करके और कूड़ा निस्तारण जगह पर ले जाएगा। यहाँ कूड़ा निस्तारण की कोई जगह नहीं है, बस यही है, देखिए। और क्या करते हैं जानते हैं? यही काम बनारस में है, यही काम कानपुर में है, यही काम प्रयागराज में है, यही काम सुशासन बाबू के पटना में है, और यही काम होता है। अब आप जब हुगली नदी के रूप में गंगा परिवर्तित हो जाती हैं तो दीदी भी यही काम करती हैं, मुँह नोचवा की तरह, मुँह नोच लेंगी लगेगा, और बहनों भाइयों मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बाबूजी आपके यहाँ भी यही कमवा होता है। असी और वरुणा नदी जो तड़प तड़प करके मर रही हैं, मेरा कोई दुश्मनी थोड़े ही है, देख लो मैं यह दिखाने नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन करने आया था, पवित्र भाव से आया था, लेकिन यह दिख रहा है तो करेंगे क्या, क्या करेंगे हम, नमो नमो करेंगे, आपकी चमचागिरी करेंगे यहाँ के धामी साहब जो मुख्यमंत्री हैं। चलिए मैं एक बार मिलाता हूँ डीएम चबोली को। हेलो, हाँ डीएम साहब। हेलो, हाँ डीएम साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, बात कराइए डीएम साहब से, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ। डीएम सर का मोबाइल नोट करिए सर, बताइए नंबर। 94120, एक मिनट, 94120 79555। एक बार फिर से दोहरा दीजिए, 94120 79555। शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र। ठीक है राजेंद्र भाई, शुभकामना। अब मिलाता हूँ भैया डीएम साहब को, कौन है? हाँ बोलिए नंबर। 94120 79 79555। ये देखिए मैंने नंबर मिलाया, 94120 79555। हेलो, हाँ डीएम साहब बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं? हमारा नाम है ब्रजभूषण दुबे, आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना? जी बताइए भाई साहब, आप पहले बताएं ना, जैसे डीएम साहब बोल रहे हैं, पहले आप, आपसे मैंने पूछा कि आप डीएम साहब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं आप कौन, तो प्रति प्रश्न करने से अच्छा है कि बता देना चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे
देखिए, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और इस समय मैं करण प्रयाग में हूँ। मूल रूप से मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। यदि आप डीएम साहब हों तो बताएं, नहीं तो फिर हमारा संदेश पहुँचाइए। आप अपना इशू बताएंगे क्या? अच्छा, आप नहीं बताएंगे कि आप डीएम साहब हैं या फिर उनके कोई सहयोगी हैं। चलिए हम अपना इशू ही बताते हैं। देखिए, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ और यहाँ करण प्रयाग से 1 किलोमीटर पहले यहाँ कूड़ा रखने का स्थान है, चारों तरफ से करकट लगा करके। और यहाँ कूड़ा कचरा जो फेंका गया है भाई साहब, अलकनंदा नदी में पूरी तौर पर आधा कूड़ा अलकनंदा नदी में है, शेष कूड़ा जो करकट लगा करके जो बाड़ लगाई गई है उसके भीतर है, कोई देख न सके। और इतना इतना बदबू आ रहा है, इसमें पॉलीथीन है और अपशिष्ट पदार्थ हैं, कुछ बोरियों में बांध करके रखा गया है, तो बड़ा दुख हुआ। हेलो, हाँ जी, तो यही है भाई साहब, और यह एनजीटी के नियमों के खिलाफ हैं, और यह सीधे सीधे अलकनंदा को यह कूड़ा कचरा भाई साहब नीचे जाएगा, होगा क्या, यह कैसे नदियाँ बचेंगी? मैं ईओ को बोलता हूँ, चेक करवा। अच्छा, आप डीएम साहब बोल रहे हैं ना, पहले आप बता तो दीजिए भाई साहब, इतना तो बताइए। मैं प्रभारी हूँ, मैं मुख्य विकास अधिकारी हूँ। मुख्य विकास अधिकारी, शुभ नाम भाई साहब, शुभ नाम आपका? वरुण चौधरी। वरुण जी, बहुत बढ़िया वरुण जी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर यथोचित कार्रवाई करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी, हाँ नहीं, डंपिंग ग्राउंड ही है और NH7 पर है और 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर। आप ईओ से पूछिए कि कहाँ है तुम्हारा कूड़ा निस्तारण का, तो ईओ बताएगा। धन्यवाद वरुण जी। दोस्तों, यह थे वरुण जी, मुख्य विकास अधिकारी, जो जिलाधिकारी के चार्ज में है। इतना पूछने के बाद तब यह महोदय बता रहे हैं कि मैं मुख्य विकास अधिकारी हूँ, इसके पहले नहीं बताएंगे। यह स्थिति है और किससे करें फरियाद, पिया मोर आनहर, ऐसे मतलब पिया मोर मतलब सैया, आन अंधा है और कैसे फरियाद करें। आ जाओ, हमारे छायाकार हैं, एक बार दिखाएं। और फिर यह मैंने बोला किससे बोले, आप बताइए ना, यह स्थिति है लोक सेवकों का और यह हमारे ही पैसे से, उत्तराखंड की। एक बार विधायक का नंबर बताइए भाई साहब, विधायक का नंबर बताइए। और विधायक कौन है यहाँ, उसको भी बताइए। अनिल लोटियाल जी हैं। हाँ। 971। हाँ। 60। 59। 59। 44। 24। अनिल नोटियाल जी हैं ये। हेलो। हेलो। हाँ, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं अनिल जी? जी, माननीय विधायक जी अभी माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी के साथ अंदर कक्ष में बैठे हैं। अच्छा, सतपाल महाराज जी के साथ हैं, चलिए। तो आप अपना शुभ परिचय बताएं आप। जी, मैं हरीश पवार बोल रहा हूँ सर, माननीय विधायक जी का। अच्छा, उनके सहयोगी हैं माननीय विधायक जी के, हरीश पवार साहब। हरीश जी, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है और हमारा यूट्यूब चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से, स्वतंत्र पत्रकार हूँ। नमस्ते। और आपके क्षेत्र में आया हूँ इधर चारों धाम की यात्रा पर। तो मित्र, जहाँ यह करण प्रयाग से 1 किलोमीटर दूरी पर यह नगर पालिका परिषद का डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा कचरा रखने का स्थान, और ये अलकनंदा नदी पर बाड़ लगा करके, करकट और वो सब लगा करके यहीं कूड़ा फेंका जाता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, पॉलीथीन है और भी जो कुछ भी है सब यहीं फेंका, और आधा तो अलकनंदा नदी में गया है। तो मैं चाहूँगा माननीय विधायक जी से आप बताएं, हमारा नंबर भी है और जब खाली हो तो अच्छा होगा कि बात हो जाए। तो भाई साहब, कैसा संदेश जा रहा है ये प्रधानमंत्री जी, जो स्वच्छता अभियान और मुख्यमंत्री जी, सब कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा नदियों में ऐसे ही कूड़ा कचरा डाला जाएगा, संदेश क्या जाएगा, नदियां मर जाएंगी। तो आप हमारा नंबर नोट कर लें, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, इसी नाम से चैनल भी है ब्रजभूषण मार्कंडे से। तो मैंने अभी डीएम को भी बोला है, डीएम चमोली को,
तो CDO कोई वरुण साहब हैं, उन्होंने फ़ोन उठाया था, तो आपसे भी मैं चाहूँगा, और नहीं होगा भाई साहब तो मुझे धरना पर बैठना पड़ेगा यहाँ, ठीक है सर। मैं माननीय विधायक जी से ना, हाँ, जैसे ही माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके फ्री होते हैं, हाँ, मैं आपसे बात करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है भाई साहब, शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते। शुभ यात्रा। यह है उनके प्रतिनिधि, मैंने अपने स्तर से किया है, यही देख लीजिए, 5 बार पूछने के बाद भी नहीं बताएगा कि मैं CDO बोल रहा हूँ कि DM बोल रहा हूँ कि उनका चमचा बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ नहीं बताएगा, ऐसे ही है, और जनता मालिक है, चल रहा है सब। यही हाल UP में है, यही हाल बिहार में है, यही हाल उत्तराखंड में है, यही हाल मध्य प्रदेश में है, यही हाल आप जाएंगे तो अन्य स्थानों पर भी होगा, कहने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, जब तक रहेगा धमनियों में दम और जब तक सांसें चलती रहेंगी, होता रहेगा टोका टाकी, चलता रहेगा हस्तक्षेप और करते रहेंगे नागरिक कर्तव्यों का पालन, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, जिंदा कौमें हाथ पे हाथ रख करके इंतजार नहीं कर सकती, सीना ठोक करके अपनी बात तो कहेंगी ही। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना, जय हिंद।